पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है, देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कंगाली के हाल में पाकिस्तान इस वक्त पाई पाई के लिए तरस रहा है। खाने के आइटम से लेकर पेट्रोल डीजल तक सारे दामों में भारी इजाफा हो चुका है। तो वहीं में ऐसे नई सरकार शहबाज शरीफ के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए और बढ़ते विश्व कर्ज पर कैसे काबू पाया जाए। इसी बीच पाकिस्तान को आईएमएफ की ओर से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि आईएमएफ कभी ऐसी मांग कर देगा। पाकिस्तान से साफ शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अगर उसे पैसा चाहिए तो वह तेल पर दी जा रही सब्सिडी तुरंत हटा दे। आईएमएफ ने जोर देकर कहा है कि सहायता कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईंधन व ऊर्जा सब्सिडी को हटाने की तत्काल आवश्यकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वह आईएमएफ को बताएगा कि ईंधन और ऊर्जा सब्सिडी को वापस नहीं ले सकते हैं क्योंकि राष्ट्र इसे सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि सब्सिडी पिछले पीटीआई सरकार द्वारा पेश की गई थी। अब आईएमएफ ने अपने एक बयान में कहा है कि वो ईंधन और ऊर्जा सब्सिडी और वित्त वर्ष 2023 बजट को हटाने के संदर्भ में ठोस नीति कार्यों को तत्कालीनता पर जोर दिया है। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के चलते पाकिस्तान महंगाई के संकट से जूझ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी आईएमएफ ने रोक दिया है। नई सरकार ने एक हफ्ते पहले एक विस्तारित फंड सुविधा के तहत $1 बिलियन किस्त जारी करने पर आईएमएफ के साथ बातचीत शुरू की थी। आपको बता दें कि 2019 में पूर्व रह चुके प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा हस्तांतरित 6 बिलियन का आईएमएफ बेलआउट पैकेज कभी पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया क्योंकि उनकी सरकार ने कुछ सब्सिडी में कटौती समाप्त करने और राजस्व में सुधार करने के समझौते पर ध्यान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।